हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनी मास्टरी पार्ट 3। और यहाँ पर हम दो टॉपिक पे बात करेंगे, पहले फाइनेंशियल फ्रीडम और सेकंड मनी मैनेजमेंट। तो आप में से कितने लोग फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं? एंड आई नो आंसर इज यस, हम सभी लोग फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, राइट? तो पहले हमें समझना पड़ेगा हमारी दो तरह की इनकम होती है। पहली जो इनकम है जिसे हम बोलते हैं एक्टिव इनकम, जो मेहनत करने से, काम करने से आती है, और सेकेंड इनकम है पैसिव इनकम, जो कुछ नहीं भी कर रहे तो भी आपके पास आ रही है, राइट? लेकिन उस पैसिव इनकम को भी आपको थोड़ी मेहनत करके बिल्ड करना पड़ेगा, राइट? लेकिन हमें यह समझ में आ गया, पैसिव इनकम वो है जो बिना कुछ किए आ रही है, एक्टिव इनकम कुछ करने से आ रही है। और ये बिना कुछ किए वाली इनकम आपके खर्चों से ज़्यादा हो जाएगी, ये आपके एक्सपेंस है। सपोज एक्सपेंस आपके 50,000 रुपये हैं और आपको 50,000 से ज़्यादा इनकम आना शुरू हो गई बिना कुछ किए, तो वो स्टेज को आप बोलते हैं फाइनेंशियली फ्री हो गए, राइट? तो फाइनेंशियली फ्री होने के लिए मुझे देखना है कि मुझे ऐसे कुछ पैरेलल बिजनेसेस में हाथ डालना है, कुछ बिल्ड करना है जहां से मैं इनकम जनरेट कर सकूं आने वाले टाइम के लिए, और कुछ टाइम में मेरे को फिर वो इतना इनकम हो जाए, मेरे खर्चों से ज़्यादा हो जाए और मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊं, राइट? तो कौन कौन से पार्ट कर सकते हैं आप? अभी आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं करते रहो, उसको बंद मत करो, करते रहो। उसी के साथ साथ आपको डेली के 2 आवर्स निकालना है, हफ्ते में 10 आवर्स निकालना है, मतलब 2 घंटे निकाल के आपने 5 दिन भी काम किया, उस 10 घंटे में 10 आवर्स में आप एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम पैरेलल बिजनेस बिल्ड करोगे, राइट? तो कौन कौन सी चीज़ों पे आप जा सकते हो जहाँ से आप सेकेंड सोर्स इनकम जनरेट कर सको और 5 से 10 साल में वो इनकम इतनी ज़्यादा आने लगे आपके पास कि आपके खर्चे जो है उससे ज़्यादा आने लगे, राइट? तो अभी के खर्चे कैलकुलेट करो, 5 या 10 साल के तो खर्चे थोड़े बढ़ जाएंगे हमारे, ये लेवल पे आएंगे। तो ये इनकम लाने के लिए मुझे कौन कौन से बिजनेस में घुसना पड़ेगा वो अभी मेरे को प्लान करना पड़ेगा, राइट? तो हम कौन कौन से बिजनेस कर सकते हैं, बहुत सारे आइडियाज हो सकते हैं आपके पास। उसमें से पहला एक हो सकता है बुक राइटिंग, राइट? हम एक किताब लिख सकते हैं, बुक लिख सकते हैं, और बुक से हम पैसा बना सकते हैं। जैसे मेरा एक पार्टिसिपेंट था, अभी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अहमदाबाद में है वो, और उसने एक बुक लिखी थी मनी के ऊपर, और वो बुक उसने बहुत पतली, बहुत छोटी बुक बनाई, और उसका प्राइस रखा उसने 49 रुपीज़, और उसको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे अपलोड कर दिया उसने, और बहुत छोटी बुक थी वो, इजी टू बाई थी। और उसके बाद फिर उसने मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्लान बनाया, आज उसकी बुक एवरी मंथ आई थिंक 50 से 100 के बीच में हर महीने कॉपियां निकल रही है उसकी बिना कुछ किए। और ये जो टारगेट उसने अचीव किया था, ये लॉकडाउन में निकल रही थी, लॉकडाउन में 100 से 50 के ऊपर कॉपियां निकल रही थी, 100 से 50 के बीच में निकल रही थी, अब तो शायद इसका नंबर और बढ़ गया रहेगा, राइट? बुक लिखकर उसने पब्लिश भी नहीं किया, प्रिंट भी नहीं किया, सीधा अमेजोन पे अपलोड कर दिया, राइट? तो बुक राइटिंग पे आप काम कर सकते हो। अब बुक लिखना हमें डिफिकल्ट लगता है, तो आप क्या कर सकते हो, मोबाइल में रिकॉर्ड करो, वर्ड फाइल लोड करो, एमएस ऑफिस वर्ड डाउनलोड करो, और वहां पर आप बोलोगे वो ऑटोमेटिक ऑटो टाइप होने लगेगा। लैंग्वेज सेलेक्ट करो वर्ड में, आप हिंदी सेलेक्ट करो, मराठी, गुजराती, जो लैंग्वेज चाहिए वो लैंग्वेज सेलेक्ट करो, आपको टाइप करने की जरूरत भी नहीं है, वो ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा, राइट? तो एक एक करके चैप्टर वाइज लिखना शुरू करो, एडिटिंग पे फोकस मत करो, पहले स्टार्ट करो और खत्म कर दो, राइट? तो बुक पे आप काम कर सकते हो, बुक लिखना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, तो ये आप कर सकते हो, यहाँ से आपको रॉयल्टी आ सकती है। सेकंड चीज़, आप कुछ डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हो, जैसे अभी आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हो, इस तरह के कुछ बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स बना सकते हो, इस तरह के डिजिटल प्रोडक्ट्स बना सकते हो, और ये प्रोग्राम्स को आप सेल करके रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, ऑटोमेशन पे आपको पैसा आएगा, राइट? वैल्यूएबल कुछ कॉन्टेंट निकालो जिससे लोगों की हेल्प हो सके, फ़ायदा हो सके, और वहाँ पर लोग उसको बाय करेंगे, उससे आपको रेवेन्यू आएगा। तो सेकंड आपके डिजिटल प्रोडक्ट हो गए। थर्ड चीज़ होगी ट्रेनिंग ले सकते हो, जैसे मैं ट्रेनिंग वगैरह लेता हूँ, तो आप सैटरडे संडेज में या संडेज में, महीने में 4 संडे आपको मिलते हैं, जॉब कर रहे हो कोई बात नहीं, 4 संडेज आप फ्री सेशंस में जाओ और फिर ऑडियंस को जमा करो, नेक्स्ट मंथ में एक वर्कशॉप लो, जाके आप सेशन ले सकते हो। तो पार्ट टाइम में आप सेशंस ले सकते हो, आज की डेट में तो हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, रात 9 से 11 में आप सेशन लो, राइट? वो प्राइम टाइम देखना शुरू बंद कर दो, बिग बॉस, डांस इंडिया डांस और क्या क्या आते हैं वो सारे, राइट? वो जगह पे आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, 2 आवर्स निकाल के अपना पैरेलल बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। तो बुक राइटिंग हो गया, डिजिटल प्रोडक्ट हो गया, ट्रेनिंग हो गया, ट्रेडिंग कर सकते हो। लॉकडाउन में मेरे कई सारे फ्रेंड थे जिन्होंने ट्रेडिंग में बिजनेस किया, जो अपनी कम्युनिटी से थे, और एक रेन कार्ड करके कुछ आता है, रेनकोट होता है, और उसका उन्होंने देखा, उसकी डिमांड बहुत सारी थी, तो एक नंबर मिला उनको, एक बायर मिला जहाँ से वो लोग उठा सकते थे माल, उसको पूछा प्राइस कितना है, उसने बताया इतना प्राइस है, उसने क्या किया, उसका प्राइस निकाला, उसका प्राइस डाला उसने 11 रुपये, 11 या 10 रुपये समथिंग डाला उसने, और बहुत सारे जो ग्रुप्स थे मैन्युफैक्चरिंग के, जो ग्रुप्स थे उन ग्रुप से उसने शूट करना शुरू कर दिया मैसेज को, राइट? मैंने उसको आइडिया दिया था, उन चीज़ों पर उसने काम किया, उसने मैसेज शूट किया,
यहां से पार्टीज कॉल करने लगी उन लोगों को सामने से कि हमको इतने चाहिए, क्या प्राइस है? बोले कितने चाहिए हमको? बोले 11 रुपए का है ना, 10 रुपए का है, कितना है? 10 रुपए 11 समथिंग कुछ था। तो बोले ठीक है हमको दो चाहिए। तो बोले दो के लिए 11 रुपए नहीं है, दो के लिए आप लोगे तो 200 रुपए लगेगा, बल्क में लोगे तो इतना, 1500 के पीस लोगे तो इतना आएगा, 1000 पीस लोगे तो इतना आएगा, 500 आएगा तो इतना आएगा। ऐसे कर करके बहुत सारे जगह से उसको ऑर्डर आने लगा और वो माल बेचने लगा। अब माल उसके पास था नहीं, बोला पेटीएम या गूगल पे करो, मेरे को अमाउंट भेजो, ये अमाउंट वहां पर भेजता था, वहां से माल वहां जाता था। ऐसे बहुत सारे लोग आज ऑनलाइन ट्रेडिंग में बहुत सारा पैसा बना रहे हैं, कुछ घड़ियां बेच रहे हैं, कुछ कपड़े बेच रहे हैं, कुछ ये सारी चीज़ें बेच रहे हैं, और वो साइमल्टेनियसली जॉब भी कर रहे हैं। जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में 20 से 30 हज़ार रुपये मेरे जान के लोग, जान पहचान के लोग हैं जो अपनी सफल की कम्युनिटी में से है, जो पैसे बना रहे हैं, राइट। तो आप ये सारा कुछ काम कर सकते हो, यहाँ से माल लिया वहाँ निकाल दिया, आपको 2 घंटे निकालना है, राइट। इन्वेस्टमेंट्स बहुत से लोगों ने किया है, इन्वेस्टमेंट से पैसा आता है, लेकिन अगेन उसके लिए भी पैसा चाहिए आपको, राइट। तो वो सारी चीज़ों में आप जा सकते हो, या फिर आप MLM में जा सकते हो, मल्टी लेवल मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में। मेरे एक पार्टिसिपेंट थे जो हमारे ऑफलाइन क्लाइंट, बड़े क्लाइंट थे, लॉकडाउन में उनका काम बंद हो गया, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, और लॉकडाउन के अंदर उन्होंने मेरा प्रोग्राम ज्वाइन किया ऑनलाइन, और उसके बाद उन्होंने एक कंपनी ज्वाइन की, मल्टी लेवल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ज्वाइन की, और डायरेक्ट सेलिंग में उन्होंने पहले 2 महीने में 1,75,000 का रेवेन्यू जनरेट किया। वो टीम बिल्ड किया और फिर उन्होंने डिसाइड किया मेरे को 10,000 की टीम बनानी है, बहुत बढ़िया है। तो जो एक्सपेंसेस होते थे डायरेक्ट सेलिंग में जो करना पड़ते थे वो सारे बंद हो गए थे, वेबिनार्स में काम चल रहा था, और उन्होंने वो सारा अपना जो काम था उसको, नॉलेज को उन्होंने इन्हेंस किया, और फिर बाद में सही तरह से चैनलाइज करके जूम पे उन्होंने उसको लेकर आए और बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट किया, राइट। तो आप डायरेक्ट सेलिंग में जा सकते हो, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है अगर आप बनाना, पैसा बनाना चाहते हो। लेकिन आपको ये समझना है कि मेरे को सेकेंड सोर्स पे काम करना पड़ेगा। लॉकडाउन ने हमको बता दिया है कि सिंगल सोर्स पे चलने वाला नहीं है, तो सेकेंड सोर्स इनकम होना चाहिए, और ये इन्वेस्ट करते रहो, राइट। तो ये आपका फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको इस पर काम करना है। सेकेंड जो चीज़ हमने बोला था आज इस वीडियो में बात करेंगे वो है मनी मैनेजमेंट। तो हमारे पास पैसा तो आ रहा है लेकिन हम पैसे को मैनेज नहीं कर पाते हैं, और इसलिए हमारा पैसा चला जाता है, राइट। उस भगवान, सबसे परमात्मा, ईश्वर, जो भी नाम से हम पुकारते हैं, वो सबसे बहुत प्यार करता है और सबको उसने देता है, लेकिन वो उसको ही देगा जो डिजर्व करता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, उसने आपको 10,000 रुपए दिया और आपसे 10,000 रुपए संभल नहीं रहे, तो वो आपको 20,000 1,00,000 कहां से देगा, राइट। तो आपके पास मनी मैनेज के लिए आपको पैसे को सेविंग करना है, अभी से प्लान करना है, सेव करना है। अभी पैसे नहीं है तो अभी से आदत डालना है, और जब आप 10,000 में से एटलीस्ट 100 रुपए भी नहीं निकाल पा रहे हो तो 1,00,000 में भी नहीं बचा पाओ, क्योंकि आदत और गंदी होती जाएगी, राइट। तो पैसा नहीं है तो अभी से हमको आदत डालना है, पैसा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी हमको इस प्रिंसिपल पे काम करना है, मनी मैनेजमेंट पे। और ये मैंने सीखा था, एक प्रोग्राम मैंने अटेंड किया था, वहां से मैंने ये कॉन्सेप्ट सीखा था, काफी सारे लोगों ने इस पे बात की है, तो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। ये आपके पास जो अमाउंट आ रहा है उसको आप 6 कैटेगरी 6 अकाउंट में डिवाइड करो। पहला जो अमाउंट आ रहा है, पहला जो आपका अमाउंट आ रहा है उसका 50% जो है, फॉर एग्जाम्पल 10,000 अगर आपकी सैलरी है, 10,000 एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं मैं, 10 से ज़्यादा भी हो सकती है और भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूं, अगर 10,000 आपकी सैलरी है या उससे कम भी है तो उसका 50% आप डालोगे एक अकाउंट में, और आप ये देखोगे इस 50% में मेरे को अपने गुजारे करना है, अपने महीने के एक्सपेंसेस करना है। तो महंगी महंगी चीज़ें दिखावे की शोबाजी बंद कर दो, राइट। जितने बड़े लोग होते हैं बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं, और जितने छोटे होते हैं वो अकड़ में रहते हैं और वो बहुत शोबाजी में जीते हैं। तो हमको पैसा बनाना है तो हमको सिंपल लाइफ में आ जाओ, राइट। तो 50% में हमको क्या करना है, डेली नीड हमारी जो एक्सपेंसेस है, मंथली एक्सपेंसेस है, उसमें हमारे को गुजारा करना है। महीने का राशन हो गया आपका, कपड़े हो गए, दवा हो गई, मेडिसिन हो गई, जो भी आपके एक्सपेंसेस है, EMIs वगैरह हो गए, वो सारे आप 50% में लेकर आओ। 50% नहीं भी है, 60-70 चलेगा, 70 रखो, लेकिन अभी आप देखो आपको 50% में लेकर आना है उसको। तो इमेजिन करते हैं वो 50% आपका वहां चला गया, 50% मतलब कितना हो गया, 5,000 चला गया, राइट। तो 5,000 आपका चला गया इसमें, नेसेसिटी में चला गया। सेकंड जो आ रहा है आपका, सेकंड जो आ रहा है आपका 5,000 बच गए। 5,000 में से 1,000 रुपये आप क्या करोगे, सेकंड अकाउंट में डालोगे, और वो करोगे इन्वेस्टमेंट के लिए। मनी मनी को मल्टीप्लाई करेगा। तो फाइनेंशियली फ्री होने के लिए हमको क्या करना है, इस मनी को इन्वेस्ट करना है कहीं ना कहीं पे, ताकि पैसा पैसा कमा के दे मुझे। तो आपके बॉन्ड्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, यहाँ पर आप डाल सकते हो, यहाँ से पैसा नॉलेज लेकर डाल सकते हो, यहाँ से पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हो, पैसा पैसा कमा के देगा आपको, राइट। तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपने 1,000 रुपये डाल दिए अकाउंट में, 1,000 रुपये आपके चले गए, इसको यूज़ करोगे आप मनी को मल्टीप्लाई करने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट वाला अकाउंट हो गया। थर्ड अकाउंट जो हो गया, ये लॉन्ग टर्म हो गया आपका, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म सेविंग हो गया आपका। तो ये लॉन्ग टर्म में क्या करोगे, आपको अपनी गाड़ी लेनी है, घर लेना है, बच्चों की पढ़ाई हो गई,
कहीं घूमने जाना है आपको, यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म में आप क्या करोगे, 10% पैसा डालोगे आप, तो 1000 रुपये आपके यहाँ चले गए, 50 नेसेसिटी में चले गए, 50 फाइनेंशियल में चले गए, हमारे इन्वेस्टमेंट में चले गए, 50 लॉन्ग टर्म में चले गए, तो 5, 6, 7 हमारे चले गए, हमारे 3 अकाउंट में डिवाइड हो गए, राइट। अगला जो अकाउंट आता है आपका वो एजुकेशन है, वो हमारी एजुकेशन है, हमारी एजुकेशन पे हमको इन्वेस्ट करना है, अपनी पढ़ाई पे खर्च करना है। अभी आपने ये प्रोग्राम खरीदा, आपने पे किया है, तो अपनी अपनी एजुकेशन पे खर्च किया है, राइट। अब आपको ये प्लान करना है कि मेरे को अपने ऊपर धार लगाना है, धार लगाना बंद नहीं करना है, तो अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए मुझे अपनी एजुकेशन पे काम निरंतर लगातार करते रहना है, इसको बंद नहीं करना है। ये रुक गया तो ग्रोथ रुक जाएगा मेरा, ये बंद नहीं करना है, तो उसके लिए मेरे को प्लानिंग प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो अभी से 1000 रुपये मैं एजुकेशन में डालूंगा, सॉरी, तो 1000 रुपये मेरे एजुकेशन में चले गए, मतलब 10% मेरे एजुकेशन में चले गए, 8000 हो गए 4 अकाउंट में। नेक्स्ट जो अकाउंट रहेगा वो मेरा रहेगा प्लेजार, मतलब मेरे एंजॉयमेंट के लिए। हम क्या करते हैं, पैसा आता है, हम दोस्तों में यारों में उड़ा देते हैं, मूवी देखने चले गए, ढाबा चले गए, यहाँ वहाँ घूमने चले गए, ट्रैकिंग पे चले गए, एंजॉयमेंट के लिए चले गए, राइट। तो वो जो है मेरे को सिर्फ 10% डालना है प्लेजार में, और वो एवरी मंथ खर्च करना है, ताकि वो मैं फीलिंग्स जगा सकूँ, वो महसूस कर सकूँ, मेरे को अमीर होना है, तो ये चीज़ें भी करना ज़रूरी है। तो 10% आपने उसमें डाल दिया, और ये आपको एवरी मंथ इन्वेस्ट करना है 10% जो आपका प्लेजार करेगा। चैरिटी में आपका 5 से 10% जाना चाहिए, अगर 5% चैरिटी में डाल रहे हो तो 5% बच गया, वो उठा के आपका नेसेसिटी में डाल दो, तो 50 से 55 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इस तरह से मनी को डिवाइड करोगे आप 6 कैटेगरी में, और यहाँ से आपकी वेल्थ मल्टीप्लाई होगी। और ये हैबिट्स आपको डेवलप करनी है, जो मैंने एक प्रोग्राम में सीखी थी, बहुत पावरफुल टूल है, तो मैंने कहा आपको बताया जाए। आगे मैं और डिटेल में चीज़ें मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, बहुत सिंपल वे से मैं समझा रहा हूँ, तो इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे, कब करेंगे, राइट नाउ, अभी से इम्प्लीमेंट करें, राइट, और 30 दिन में आप चमत्कार देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।